ओ मेरे छोटे मियाँ, कहाँ है तुम्हारे बड़े मियाँ? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ खुद से बातें करनी होती तो चिराग में ना रह जाता मैं। अजी सुनते हो? मैं ऊंची आवाज में बात कर बेटे। भाई तू कोई मदारी तो ना है, और जब मुझे तुझे कोई तमाशा दिखाना आता है कि तू चिराग को घिसा किसता है तुमने? हाँ हाँ। अच्छा क्या मैं सच में एक नीले इंसान से बात करूं? हट, मैं नीला जीनी हूँ, नीला इंसान नहीं। छोटे दिमाग का तई मत कर। तुम्हें एतराज ना हो तो अस्थि पंजर खोल लो जरा, अगर इजाजत हो तो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? जीनी मुक्तासन, मेरे आका तो तुम लग रहे हो। हाँ पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम मैं और ये बंदर है इस गुफा के अंदर। तो कब से इस चिराग में बंद हो? हजारों सालों से। हजारों सालों से? हजारों सालों से। ए छोटे एक बात बता, हर बात पे इतना क्यों चौंक रहा है? हो अली बाबा के होते थे 40 चोर दिखाते थे बहु लाखों खेल, पराका तुम हो आला, अब तुम्हारे पास ऐसा है जान जो होगा ना फेल। तो मुराद कैसे मांगते? क्या क्या मजाक है क्या? पूरा का पूरा गाना यही तो समझा रहा था मैं। तो तुझे सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जीनी जादू चिराग, अभी तक दिमाग की बत्ती नहीं जली। आओ, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। लगता है गाना सुनते वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला काम है चिराग को घिसो, फिर दूसरा काम अपनी मुराद मांगो, और तीसरा है ही नहीं, देखा कितना आसान है। अरे इतने विस्तार में तो मैंने अपने चाचा को ना समझाया। आमतौर पर मुझ तक जो पहुंचता है वो अपनी मुरादे पहले से तय करके आता है, और ज्यादातर मुरादे होती है दौलत और ताकत। तुम तीन से ज्यादा मुराद नहीं मांग सकते, तीन ही मिलेंगी। हाँ किसी को प्यार कराना नहीं कराना मेरे बस में नहीं। अरे हुए को वापस लाना तो भूल ही जाओ। बीच में कुछ समझ में ना आए तो मुझे रोक लेना, मजाक कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा सोचना भी मत। एक सलाह देता हूँ, दुनिया में इतनी दौलत या ताकत है ही नहीं जो किसी की भी लालच पूरी कर सके, तो तुम उस रास्ते जाना ही मत, समझ गए? तो मांगो अपनी पहली मुराद। तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है एक छोटी सी मुराद मांगने में? जल्दी मांगो मेरे भाई, वरना ये नीला जीनी देखते ही देखते लाल पीला हो जाएगा। क्यों तड़पा रहे हो? तुम्हें नहीं पता पर तुम तो सब जानते हो ना। तुम ना अपने कान में तेल डाल लो, क्योंकि तुम ठीक से सुनते नहीं हो। मैंने कहा था मैं ताकतवर हूँ, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर। ठीक है जीनी, मेरी पहली मुराद ये है कि हमें इस गुफा से बाहर निकालो। मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। शुक्रिया कालीन से रूट से चलेंगे, जिस रूट से उस रूट की सभी लाइनें मस्त है। एक जीनी की जिंदगी में यही तो तकलीफ है, जादुई ताकत होने के बावजूद रहने के लिए सिर्फ 12x6 इंच का कमरा। दुनिया कितनी बड़ी है, चिराग के अंदर पीतल 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 पीतल। शीतल दिखती तो फिर भी ठीक था, लेकिन नहीं पीतल। तो क्या इसमें जादू है या फिर तुम में जादू है? जादुई गठबंधन समझ लो, मैं लोगों में पूरी तरह घुल मिल सकता हूँ। या फिर ये कैसा है, ये चोटी निकाल सकते हो क्या तुम? अरे इससे नजर नहीं लगती भाई। तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? मैं अपनी आजादी मांगता इन बेड़ियों से। तुम क्या कर सकता मैं आपके लिए? तुम खोखल शरबत लेंगे, रस्म की खस्ता में आपको आजादी। तुम खुद अपने आप को आजाद क्यों नहीं कर लेते? अकालिन भैया सुन रहा जनाब का कह रहे हैं, एक जीनी तभी आजाद हो सकता है जब चिराग का मालिक उसकी आजादी की मुराद मांगे, और ये पिछली बार तब हुआ था जब सूरज पश्चिम से निकला था, यानी कभी नहीं रे। देखो मुरादों का यही मसला है कि जितनी भी मिले हमेशा कम लगती है। तो मेरे पास तीन मुरादे हैं। तीन नहीं सिर्फ दो बची हैं, एक तो गुफा से बाहर निकलने के लिए मांग चुके। मैंने मांगी या तुमने? बंदर ने दिखाई हाथ की सफाई, मुराद बच गई, बधाई हो बधाई। ये तो आशिक का चेहरा है। कौन है वह हसीना जिसने दिल तेरा छीना? वो एक शहजादी है। वो तो सभी है, मैं तो कहता हूँ अपनी माशुका को रानी की तरह रखो। क्या तुम मुझे शहजादा बना सकते हो? देखो भाई बनाने को तो मैं अच्छे अच्छे को बना चुका हूँ, जो भी बोलो तोल के बोलो, कहीं कोई भूल चूक हो गई तो गए समझो। समझ गया। हाँ नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह।